हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका राजू सर, और आप सबका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल ड्रीम्स फुलफिल सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, बार बार ऐसा सुनने को मिलता है, टीचर के पढ़ाने के बावजूद भी टेंस काफ़ी मुश्किल हो जाता है समझना। तो आप लोग ये डर को भगा दीजिए। आज से मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि टेंस आपसे दोस्ती कर लेगा, टेंस का आपसे दुश्मनी नहीं होगा, और टेंस को मैं बहुत ही इजी वे में बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज केयरफुल। अब आता है स्टूडेंट्स की टेंस क्या है। टेंस क्या है? जो समय का बोध कराता है उसे ही टेंस कहते हैं। जो समय का बोध कराता है उसे ही टेंस कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। अब हम लोग तीनों को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आज प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस क्या है? जो समय अभी अभी चल रहा है, जो समय अभी अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं, हम लोग पानी पी रहे हैं, ये सभी प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस क्या है? बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कल रविवार था, कल हम लोग रांची गए थे, कल हम लोग घूमने गए थे, तो ये सभी है, ये पास्ट टेंस है। और फ्यूचर टेंस क्या है? आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे मैं कल रॉक गार्डन जाऊँगा, मैं कल बिरसा जैविक उद्यान जाऊँगा, मैं कल बायोडाइवर्सिटी पार्क जाऊंगा, ये सभी फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। तो जिस तरह से टेंस के तीन प्रकार होते हैं, उसी तरह से फिर इसका प्रेजेंट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग आज का क्लास हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा, उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इसका बनावट। तो डियर स्टूडेंट्स,
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले कर्ता रहता है, कर्ता के बाद रहता है डॉट 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 में, जैसा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, फिर ता ते ती प्लस हूँ हो है हैं। इसका बनावट होता है कर्ता प्लस V1 या V5 प्लस डॉट डॉट, यहाँ जो भी डॉट डॉट के स्थान पर रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। इसके नोट्स होते हैं, नोट किया है आई वे यू दे, ये जो चार सब्जेक्ट है आई वे यू दे, इसके साथ भरवन लगता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति रहेगा तो भरवन लगता है, ही सी ईट के साथ भरफाइव लगता है और केवल एक व्यक्ति के साथ भरफाइव लगता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि भरवन क्या है और भरफाइव क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। भरवन क्रिया के मूल रूप को भरवन कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को भरवन कहते हैं। जिस तरह से जाना, जाना एक क्रिया है और इसका इंग्लिश होता है गो, तो गो क्या है, गो भरवन है। पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, तो रीड क्या है, ये भी भरवन है। आना का इंग्लिश होता है कम, तो कम भरवन है। लिखना, लिखना का इंग्लिश होता है राइट, तो राइट भरवन है। इस तरह से भर्व के मूल रूप को अर्थात क्रिया के मूल रूप को भरवन कहते हैं। और भरफाइव क्या है, जब भरवन में एस या एस ऐड कर देते हैं तो भरफाइव बनता है। जैसे जब भरवन में एस या एस ऐड कर देते हैं तो भरफाइव बनता है। अब ये देखेंगे कि कहाँ पर एस ऐड करना है और कहाँ पर ई एस ऐड करना है, तो देखते हैं हम लोग जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो, तो जिस वर्ब के अंत में ये रहे तो इसके साथ हम लोग एस एड कर देंगे। फिर एक बार, जिस वर्ब के अंत में ओ रहे, सी एच रहे, एस एच रहे, डबल एस रहे या एक्स रहे, इनमें से कोई एक हो तो उसमें हम लोग ई एस एड करके भरफाइव बनाते हैं, और बाकी जो इसमें नहीं रहे उसमें हम लोग केवल एस एड करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ओ है इसलिए इसमें ईएस ऐड करके गोज बनाए अर्थात V5 बनाए। उसी तरह से केच एक वर्ब है, इस केच के अंत में सीएच है इसलिए यहाँ पर भी ईएस ऐड करके केचेस किए अर्थात V5 बनाए। रिच में भी देखें कि यहाँ पर भी रिच के अंत में सीएच है इसलिए इसमें भी ईएस ऐड हो गया और ईएस ऐड करके यहाँ पर रिचेज किए अर्थात V5 किए। पुश भर्ब के अंत में भी एस एच है इसलिए यहाँ पर भी ई एस एड हुआ और ई एस एड होकर यहाँ पुशेस बना। और कॉक्स, कॉक्स भी एक वर्ब है और कॉक्स का अंतिम लेटर जो है एक्स है इसलिए इसमें भी ई एस एड करके कॉक्सेस किए अर्थात V5 किए। अब और एक वर्ब है फस, FUSS, फस ई एस यहाँ पर हो जाएगा फसेस। अब यहाँ देख रहे हैं फस में भी इसका अंतिम जो लेटर है ये डबल एस है इसलिए यहाँ पर ई एस एड किए और ई एस एड करके फिर भरफाइव बनाए अर्थात फसेस बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि टेंस कैसे बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भरवन से भरफाइव बनाने के रूल्स समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे इसका एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं।
अब फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ, अब हम लोग उदाहरण में देखेंगे कि जो मैं पढ़ता हूँ है, मैं क्या है, मैं एक करता है, और लास्ट में हाँ ता हूँ है, ता हूँ है। तो ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। अब यहाँ पर मैं, अब इसको हम लोग बनावट में देखेंगे कि करता है तो मैं का इंग्लिश आई हो जाएगा, तो यहाँ पर आई लिख दिए, और आई लिखने के बाद यहाँ पर या तो वर्ब वन लगेगा या वर्ब फाइव लगेगा। तो अब देखना है आई के साथ क्या लगेगा, तो आई के साथ वर्ब वन लगेगा, और वर्ब वन यहाँ पर रीड है, इसीलिए यहाँ हो जाएगा आई रीड। अब यहाँ है वह जाता है, वह का हो इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ लगता है, अब नियम देखेंगे, ही के साथ लगता है वर्ब फाइव, और वर्ब फाइव यहाँ पर गोज है, इसीलिए यहाँ हो जाएगा गोज, ही गोज। अब यहाँ पर है राम आता है, राम का राम, और देखना है केवल एक व्यक्ति, राम किसी का नाम है और यहाँ एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए राम के साथ लगेगा वर्ब फाइव, यहाँ हो जाएगा राम कम्स। अब यहाँ देखना है रानी और मोनी खेलती है, तो रानी और मोनी यहाँ पर दो पर्सन है, तो रानी एंड मोनी मोनी प्ले, रानी एंड मोनी प्ले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति रहने पर वर्ब वन लगेगा, इसीलिए यहाँ पर रानी एंड मोनी प्ले होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक।